चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। आईपीएल का जो लीग मुकाबले थे वो खत्म हो चुके हैं लगभग। आज का मुकाबला है बड़ा इंपॉर्टेंट है, चेन्नई आरसीबी के बीच कौन निकलेगा वो वक्त बताएगा कौन सा प्ले ऑफ में पहुंचती है। लेकिन हम बात करने वाले इस वीडियो में कि रोहित शर्मा ने अपना आखिरी जो आईपीएल का मुकाबला है मुंबई इंडियंस के लिए दोस्तों वो खेल लिया है। न सिर्फ रोहित शर्मा ने खेला बल्कि अगर आप नजर दौड़ाएं और थोड़ा सा डीपली जाएंगे जिस तरीके की चीजें इस एमआई टीम में घटी थी और प्लेयर्स की जो इतने बेहतरीन प्लेयर्स थे उनको नज़रअंदाज किया गया था, उनकी अहमियत को नहीं समझा गया था। इसमें जसप्रीत बुमराह भी हैं, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, निहाल बधेरा, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हो सकते हैं जो शायद इस फ्रेंचाइजी को नहीं खेलेंगे। लेकिन जिन नामों को लेकर सबसे बड़ा शौक है वो है रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह। ये तीन नाम दोस्तों ऐसे हैं जो मुंबई के लिए अब नहीं खेलना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें हुई हैं। मार्क बाउचर ने सवाल किया रोहित शर्मा से, लेकिन रोहित शर्मा ने बड़ी चालाकी के साथ उस सवाल को टाल दिया कि इस फ्रेंचाइजी को लेकर के और अगला जो सीजन है उसको लेकर के आपका क्या नजरिया है, तो रोहित ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। लेकिन जब मीडिया में मार्क बाउचर से पूछा गया तो उस इसका जवाब नहीं दे पाए कि जो आपकी फ्रेंचाइजी है उसमें कौन से प्लेयर को आप रिटेन करेंगे। बड़ा ऑप्शन होने जा रहा है, सिर्फ 4 प्लेयर आप रिटेन कर सकते हैं, लेकिन जो लिस्ट है एमआई की जो रिटेन प्लेयर की जो लिस्ट लीकेज हुई है उसमें रोहित शर्मा का नाम कहीं भी नहीं है। तो रोहित नहीं चाहते हैं कि इस फ्रेंचाइजी के लिए, न सिर्फ रोहित उनके काफी क्लोज रहते हैं, वो अच्छी खासी बनती है सूर्या और जस्सी, ये दोनों प्लेयर हैं जो आईपीएल 2024 का जो ये आखिरी सत्र एमआई के लिए खेल चुके हैं तीनों प्लेयर। अब बड़ा ऑप्शन होगा, वहां पर जो कार्ड का यूज है वो कर सकते हैं मुंबई वाले, लेकिन शायद रोहित खुद इंटरेस्टेड नहीं है। और जहां तक मुझे लगता है कि जो बड़ा ऑक्शन शुरू होगा उससे पहले रोहित शर्मा या तो केकेआर या फिर आरसीबी भी वो नाम हो सकती है। दिल्ली के बारे में सबको पता है कि दिल्ली भी हो सकती है, लखनऊ पर भी उनकी बात हुई है, लेकिन जिस टीम से वो सबसे ज्यादा खेलना चाहते हैं, इच्छा जाहिर की है, वो है केकेआर। अगर मुंबई के लिए रोहित शर्मा नहीं खेलते हैं तो फिर मान करके चलिए कि 50% मैं कहता हूँ केकेआर और 50% में अदर टीमें हैं। मुंबई के लिए अब कोई चांस नहीं कि रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आए। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या हार्दिक पांड्या जितनी खराब है बॉलिंग बैटिंग और कैप्टेंसी रही है, क्या मुंबई रिटेन करेगी? अगर मुंबई हार्दिक को रिटेन नहीं करती है तो फिर हार्दिक पांड्या कहीं के भी दोस्तों नहीं रहने वाले। और इस मुंबई का जो है आईपीएल 2024 का अंत है, बहुत बुरे दौर से खत्म हुआ है। इस टीम ने 2024 में 10 मुकाबले गवाए हैं, सिर्फ 4 मुकाबले जीते हैं, और कप्तान और जो सीनियर प्लेयर रहे उनके बीच काफी नोकझोंक होती रही है। टीम मैनेजमेंट है उनके बीच हुआ है। हार्दिक पांड्या ने सबको पता है लसित मलिंगा को चेयर से उठने का ऑर्डर दिया था, हटा दिया था, और कोहनी भी मारी थी, चीजें भी निकल करके आई हैं। रोहित शर्मा को किस तरीके से बाउंड्री लाइन पर जाकर के सारा करना और फिर जाकर के हार्दिक बू मुंबई का राजा कौन, रोहित शर्मा, ये सारे नारे लगाए गए थे, हार्दिक पांड्या को निशाना बनाया गया था। इरफान पठान ने खासी लगातार आलोचना की थी जब पहला मुकाबला जब शुरू हुआ था और जो डिसीजन एमआई ने लिया था। इरफान ने खुलकर के बोला था कि मुंबई का जो ये डिसीजन है कितना सच होगा, कितना वो होगा, वो मुंबई जाने किस तरीके से, लेकिन मेरा जो जहां तक मानना है इस टीम में उस चीज को निमंत्रण दे दिया है जहां से टीम बर्बाद हो जाएगी। और आज आप देखेंगे टीम का हश्र इतना बुरा हुआ है, बिल्कुल लीजेंड प्लेयर से भरी हुई टीम है। कोई भी अगर आप लिस्ट सारी प्लेयर की निकाल करके देखें तो कोई ये नहीं सोचेगा कि ये टीम क्वालिफाई भी नहीं कर सकती। यहां तक कि बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो इस टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन भी बताएंगे, लेकिन 10वीं आखिरी पोजीशन पर थे, 14 मुकाबले में 10 मुकाबले हारे। रोहित शर्मा का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है, हार्दिक का उतना बेहतर नहीं रहा है। हार्दिक और रोहित के बीच अच्छी खासी नहीं बनी है कोई बहुत ज्यादा, और T20 वर्ल्ड कप के लिए जब टीम का अनाउंसमेंट हुआ तो रोहित नहीं चाहते थे कि हार्दिक पांड्या को इस स्क्वाड में जगह मिले, लेकिन मिली, सोर्स चला है, जय साहिनी ने जबरदस्ती उनका नाम इस लिस्ट में डाला है। न सिर्फ अजीत अगरकर और कोच राहुल द्रविड़ भी नहीं चाहते थे कि इस टीम में हार्दिक पांड्या को बरकरार रखा जाए, वो इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि बनती नहीं थी इसलिए रोहित इस तरीके का जो अनफेवर है वो किया था, वो इसलिए क्योंकि हार्दिक पूरे 4 ओवर बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे, ठीक से बैटिंग करना नहीं जानते हैं। जिस नाम से हार्दिक को जाना जाता है वहां से हार्दिक लाखों मील पीछे चल रहे हैं। तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा आईपीएल
2025 के लिए, रोहित शर्मा किस टीम से किस फ्रेंचाइजी से जुड़ते हैं, और T20 वर्ल्ड कप में 2024 में भारत का प्रदर्शन किस तरीके से होने वाला है, और वीक पॉइंट क्या है जरूर कमेंट करके बताइएगा। T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए दो वीक पॉइंट कमेंट करके।